दिल्ली में चल रही खींचतान को लेकर आज दिल्ली में मंथन होगा। सीएम योगी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में सीएम को लेकर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार पर लगातार समीक्षा चल रही है। खुद सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, जो कमियां सामने आई हैं, उसे सुधारने को लेकर चर्चा हो रही है। और आज बैठक में सीएम योगी नड्डा को ये सब रिपोर्ट सौंपेंगे। तो योगी ही उपयोगी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने रहेंगे। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर, क्या अपडेट? देखिए, जानकारी यही है जो जानकारी हमें बीजेपी सूत्रों से मिली है, उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यूपी में कोई बदलाव नहीं होगा, नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा किसी भी सूरत में, और खासकर जो अगले 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके पहले तो नहीं होने वाला है। और ये साफ तौर कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि उसके लिए समीक्षा चल रही है। खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो अपनी रिपोर्ट भी केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, और अब से थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्रियों का यहाँ पर बैठक भी होने वाली है बीजेपी हेडक्वार्टर में। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई गणमान्य जो वरिष्ठ नेता है वो भी मौजूद रहेंगे, तो यहाँ पर भी चर्चा होगी राज्यों के जी। जो रविंद्र बने रही है आप मेरे साथ। यूपी की सियासत से एक और बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक केशव मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है और उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। यही नहीं, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों को लेकर आगे चलकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि जो दो डिप्टी सीएम हैं केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनके कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्र बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि आगे चलकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य की लगातार जो बयानबाजी चल रही है अखिलेश यादव के साथ, उसको लेकर भी प्रतिक्रिया आई है और ये जानकारी सामने आई है कि उनकी बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है और उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप जो भी बयान दें वो पार्टी फोरम पर ही दें। तो बड़ी खबर से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं और पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ही बने रहेंगे, ये एक बड़ी जानकारी है। डिप्टी सीएम से नाराजगी की बात सामने आ रही है और इसके अलावा नड्डा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं और जो भी खामियां और कमियां सामने आई हैं उसको लेकर मंथन होगा, उसको लेकर चर्चा होगी। तो जो सीएम योगी जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं उससे जुड़ी जानकारी भी आपको दे दें। 20 दिन तक विधायकों के साथ मंथन हुआ, अलग अलग स्तर पर समीक्षा बैठकें हुई, मंडलवार विधायकों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। और जो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का उत्तर प्रदेश में रहा, उसमें क्या खामियां और कमियां रही, इसको लेकर तमाम जानकारियों को जुटाया गया है, जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया है, शिकायतों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है और लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन होगा, ये तमाम जानकारियां सामने आई है इस रिपोर्ट के जरिए। और इस बड़ी खबर पर दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी के प्रवक्ता है। शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी संगीत रागी जी, जिस तरह से घटनाक्रम इस वक्त बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जी न्यूज ये एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने रहेंगे, लेकिन जो डिप्टी सीएम है उन्हें लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है कि डिप्टी सीएम के बारे में कोई फैसला होगा, उन्हें हटाया जाएगा या उनको बरकरार रखा जाएगा, लेकिन एक बात बहुत साफ दिखती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव, लोकसभा चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से कुछ नेता योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और अनुशासन के जो मर्यादा होती है उसके खिलाफ है।
आपको जो भी बोलना है वो आप बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, और सामूहिक नेतृत्व है तो हार का ठिकरा योगी आदित्यनाथ पर या किसी केंद्रीय नेतृत्व में से भी किसी एक व्यक्ति पर कैसे जा सकता है। क्योंकि पार्टी में जो चुनाव कैंपेन सीट निर्णय सिर्फ जो कौन लड़ेगा इसके बारे में निर्णय की एक सामूहिक प्रक्रिया है जिससे होकर के गुजरना पड़ता है। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों का निर्णय हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री भी थे, शामिल थे, संगठन मंत्री भी शामिल थे, केंद्रीय संसदीय बोर्ड भी उसमें शामिल था। तो ऐसी स्थिति में हार की ठीकरा एक व्यक्ति पर फोड़ देना या मुख्यमंत्री को उस पर निशाने में ले लेना या केंद्रीय नेता में से किसी एक को निशाने पर लेना, ये ठीक नहीं है। और जो कुछ भी केशव प्रसाद मौर्य या बाकी नेता कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि आप ये बात मानते हैं कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चल रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं नाखुश है केंद्र सरकार, और इसको लेकर उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि आपको जो भी कहना है पार्टी फोरम पर कहिए। तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, राजनीतिक व्यंग कर रहे हैं, उसके बारे में उनको जवाब देने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपने नेताओं के बारे में इस प्रकार की बातें न करें जिससे लगे कि पार्टी जो है वो कई खेमों में बटी हुई है उत्तर प्रदेश में। यदि आपको उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, समाजवादी पेटा, समाजवादी पार्टी आज के दिन में वोट जिहादियों के साथ खड़ी है। ऐसी स्थिति में यदि इन निगेटिव ताकतों के खिलाफ आपको मजबूती से खड़ा होना है तो फिर आपको एक दिखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी टीम के रूप में जब तक काम नहीं करती है उसमें कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसे एक टीम के रूप में रहना बहुत आवश्यक है 2027 के लिए भी और 2029 के लिए भी। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, बीते कुछ दिनों में हमने देखा अखिलेश यादव परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर ले रहे हैं, और जबरदस्त सियासी जुबानी जंग दोनों ही नेताओं के बीच छिड़ी हुई यहां पर नजर आ रही है, और सियासी गलियारों में इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और आज एक बड़ी बात केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कही गई कि जनता को झूठ बोला है अखिलेश यादव ने। देखिए एक चीज मान के आपको चलनी पड़ेगी कि जो टीम जिसकी बात कर रहे हैं संगीत रागी जी बीजेपी समर्थक, कि भई ये टीम को लेके चलना पड़ेगा, टीम होगी तो सब कुछ होगा, वो टीम में चाहे कैप्टन बदल दीजिए, चाहे वाइस कैप्टन बदल दीजिए, चाहे प्लेयर बदल दीजिए, चाहे मैनेजर बदल दीजिए और चाहे चेयरमैन बदल दीजिए उस टीम का, भैया देखो जो टीम जनता के लिए नहीं खेलती है ना उस टीम का कुछ नहीं हो सकता। ये जनता के लिए टीम काम ही नहीं करती है, ये टीम सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है, ये टीम भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करती है। जिस दिन आप जनता की बढ़ाने के लिए, जनता के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के लिए काम करेंगे तो ही तो आपका कोई पूछेगा ना आप हारे क्यों, क्योंकि आप जनता के बारे में नहीं सोचते। इस बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे, चर्चा तो इस बारे में करनी चाहिए थी कि आप कैसे आप कोशिश करते हो कि कैसे बस्तियां का बस्तियां उजाड़ दें, आप बस्तियों की बस्तियों पर बुलडोजर चलाएंगे उसके बाद कहेंगे कि हम हार गए। आप यहाँ पे जिस तरह का महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाएंगे जनता आपके खिलाफ जाए कहेगी हम समीक्षा करेंगे। अरे साफ दिखाई पड़ रहा है, आंखों के सामने देखने को मिल रहा है कि आप ना युवाओं के लिए कुछ कर रहे हो, ना महिलाओं के लिए कर रहे हो, ना छात्रों के लिए कर रहे हो, ना बुजुर्गों के लिए कर रहे हो, ना किसानों के लिए कर रहे हो, तो भाई आप कैसे जीतोगे। आप पर्चा लीक होंगे यहाँ पे लगातार, और पर्चा लीक होने के बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप सवाल से कन्नी काटने लगेंगे, डिबेट छोड़ के भागने लगेंगे। सवाल ये है कि आप जनता के बारे में सोचिए, जिस जनता ने आपको चुना था उसी जनता ने तो आपको हराया है। हम समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों को लेके जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख तकलीफ। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, कौन किसका मोरा है? इस तरह की जो सियासी बयानबाजी हो रही है उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? समाजवादी पार्टी का अगर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अच्छा रहा, जाहिर तौर पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है, लेकिन केशव मौर्य ने तो ये कहा कि आप अपनी जो बीते वर्षों की हार है उसको ना भुलाएं। भैया वो तो केशव प्रसाद मौर्य जी अच्छी तरह जानते हैं, वो अपनी जीत हार जीते कि हारे उन्हीं से पूछ लीजिए, वो ज्यादा अच्छी तरह बता देंगे। जो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं वो प्रदेश की राजनीति करने के लिए दिल्ली और बम्बई और लखनऊ पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली और लखनऊ के बीच में दो बीजेपी है, एक दिल्ली की बीजेपी एक लखनऊ की बीजेपी है। तो कहते ना डबल इंजन हो गया है। अब डबल इंजन क्या है, पहले कभी एक कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब इंजन आपस में आमने सामने में टकरा रहे हैं,
और जिसको हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं उजड मार रहे एक दूसरे के ऊपर में, जैसे लड़ते हैं ना दो लोग वैसे मार रहे हैं, और उसके साथ साथ बोगी भी टकराने लगी। जब बोगी टकराने लगे, इंजन टकराने लगे और रेल की जो पटरी होती है जी, वो शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। Z News.